एसकेपी 7 न्यूज नवादा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे सदर एसडीओ। नवादा में कोरोना का चेन तोड़ने के लिए सरकार द्वारा पूरे बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि किराना, फल, दूध व सब्जी की दुकानों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती, आलाधिकारियों व पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरते ही हड़कंप मच गया। इस दौरान वे शहर के सब्जी मंडी पहुंचे, जहां खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। एसडीओ की वाहन को देखकर लोग तितर बितर होने लगे। इस दौरान एसडीओ ने अतिक्रमण कर रहे कई सब्जी व फल की दुकानों के सामानों को जब्त कर लिया। एसडीओ ने माइकिंग के माध्यम से लोगों से अपील किया कि बेवजह सड़क पर न निकले, नहीं तो ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें और अपने नजदीकी दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करें। नवादा से विकास कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, अतः 6 बजे आप घर से बाहर नहीं निकले, अपने आप को लॉक करें। सभी फल का दुकान, सब्जी का दुकान, दूध का दुकान, किराए किराना का दुकान 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। 11 बजे के बाद कोई भी दुकान खुला हुआ नहीं मिलना चाहिए। 11 बजे का मतलब 11 बजे डॉट 11 बजे के बाद आप दुकान नहीं खोलेंगे और बंद कर लेंगे। लॉकडाउन नवादा में लगा है, उसके बाद आज से बिहार सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लॉकडाउन की जो विभिन्न प्रावधान है, जो हम लोग गाइडलाइन उपलब्ध कराए गए हैं, गाइडलाइन के अनुसार हम लोग उसका अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम आज सड़क पर है। जो गाइडलाइन है उसमें मेन अभी जो है इसे दूध का दुकान, फल, सब्जी, किराना, ये सारे दुकान जो है मात्र 11 बजे तक खुलेंगे, 7 बजे से 11 बजे तक। उसको हम लोग माइकिंग के माध्यम से लोगों को इसको अवगत करा रहे हैं। 11 बजे के बाद ये सारे दुकान बंद रहेंगे, सिर्फ मेडिकल की दुकान खुलेंगे।